एक बार एक घर में लाइट चली गई तो उन्होंने समझा फ्यूज उड़ गया होगा, ये तो बड़ा आसान है, तार खिसक जाता है, हम जोड़ लेते हैं। भाई उठा, उसने जोड़ा लेकिन लाइट आई नहीं, तो उसकी युगल ने कहा ये तो बड़ा आसान है, चलो मैं देखती हूँ। उसने भी तार उठाया और जोड़ा लेकिन लाइट आई नहीं। आखिर परेशान होकर इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, भई हमारे घर की लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया, मालूम नहीं क्या हुआ है। इलेक्ट्रिशियन आ गया थोड़ी देर में और उसने भी उसी फ्यूज को देखा और वो दो तारे जो थीं उनको जोड़ा और तुरंत कनेक्शन आ गया, लाइट आ गई। तो वो युगल बोले हमने भी तो यही किया था, दो तारे ही जोड़ी थी लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। तो वो इलेक्ट्रिशियन हंसने लगा, कहते बहन जी आपने इसका तार का रबड़ी कहाँ उतारा था, अब रबड़ी नहीं उतरा तो तार जुड़ा ही नहीं, और तार जुड़ा ही नहीं तो लाइट आती कैसे। अब हम भी योग में तो बैठ गए, लाल बत्ती जगी हुई है, गीत बज रहा है, सब बैठे आराम से, लेकिन अगर रबड़ उतरा ही नहीं तो कनेक्शन होगा नहीं। माना मैं खुद में सूक्ष्म बिंदी आत्मा हूं और ये शरीर रबड़ के समान है, अब मैं आत्मा इस रबड़ से अलग हूं, लेकिन मैंने स्वयं को उस स्वरूप में टिकाया ही नहीं, इस देह रूपी रबड़ की विस्मृति हुई नहीं। कोई ये नहीं कि बार बार कोई आप ख्याल कर रहे हैं मैं ये शरीर हूं, मैं ये पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये नहीं, जरूर ये ख्याल क्यों आएगा आपको, परंतु किसी न किसी भाव से, कोई भी रूप से जरा सा भी देहभान है तो वो कनेक्शन नहीं हो पाता। उसके लिए ये जरूरी है कि मैं अपने फीलिंग्स को उस सूक्ष्म अवस्था में जो मेरा सत्य स्वरूप है, कि मैं एकदम पॉइंट हूं, अति सूक्ष्म बस, और किसी भी प्रकार की कोई बात भी देह से जुड़ी हुई वो मुझे याद ना आए। ऐसे मैं उसी एक संकल्प की फीलिंग में टिक जाऊं, अपने उस स्वरूप की महसूसता में टिक जाऊं। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने आदि से ही ये अभ्यास किया, आप सुनते ही हैं यज्ञ इतिहास की ये सारी बातें, और सबको भी ये अभ्यास कराया। बाबा के सामने से कोई भी आता था, कोई भी देह का संबंधी, कोई भी बाहर का पराया या अपना कोई भी हो, बाबा उसे पहले ही आत्मिक भाव से देखते कि ये आत्मा है, भले फिर उसका रोल और उसका रूप सामने आता है, लेकिन जो अंदर की महसूसता है उसके प्रति, जो एक दृष्टिकोण है उसके प्रति, वो आत्मिक है। ये बाबा ने अंदर ही अंदर अभ्यास किया, अंदर ही अंदर अभ्यास किया। आपने सुना ही होगा बाबा सबको, ये आत्मा है, ब्रजेंद्रा आत्मा है, राधे आत्मा है, जसोदा आत्मा है, ऐसे पक्का करते थे, और सबके नाम के आगे भी ओम लगा दिया, ओम राधे, ओम माना ही आत्मा। ये बाबा ने शुरू में अभ्यास कराया। अब आप सब चाहे कितने भी समय से प्यारे बाबा के बने, चाहे 2 वर्ष से या 20 वर्ष से या 40 वर्ष से, भले आप कारोबार में रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, ट्रस्टी होके रहते हैं, लेकिन क्या सचमुच मैंने इतना अपने ऊपर अंदर ये अटेंशन रखा, क्या मैंने ऐसा अभ्यास अंदर किया? क्योंकि ये अपना ही व्यक्तिगत है, ये किसी से कहने या कराने की बात नहीं है, मेरा अपना अपने ऊपर कितना ध्यान रहा, अटेंशन रहा। इसके लिए हम ये भी नहीं कह सकते बाबा को, बाबा मुझे समय नहीं मिलता था, बाबा मेरे पास फलानी ताकत नहीं थी, इसमें कोई धन की ताकत नहीं चाहिए, कोई तन की ताकत नहीं चाहिए,
किसी प्रकार की ताकत नहीं चाहिए। और कोई भी बच्चा बाबा को ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, मैं इस कारण से ये अभ्यास नहीं कर सका। और ये कितना हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमें हर बच्चे को ये इतना अच्छा 21 जन्मों की तकदीर बनाने का, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का एक सूक्ष्म अभ्यास कहें, विधि कहें, दी है कि बच्चे इस विधि से आप माला माल बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे और आपकी तकदीर जन्म जन्मांतर के लिए जग जाएगी। योग के कितने लाभ हम सब अनुभव करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, और उसमें मैं बिल्कुल आत्मा एकदम सभी प्राप्तियों से संपन्न हो सकती हूँ और इसी समय हो सकती हूँ और इसी जन्म में हो सकती हूँ। तो क्या मैंने अपने अंदर इतना अपने ऊपर अंकुश भी क्यों कहें अटेंशन रखा? क्योंकि ये अटेंशन हम जो बाबा कहता है बच्चे आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 घंटे अलग से निकाल कर बैठना पड़े। और जब हम सारा दिन बीच बीच में ये ध्यान रखते हैं तो अनुभव ये कहता है कि जब आप थोड़ी देर भी बैठते हैं, आधा घंटा भी बैठते हैं, तो तुरंत आपका कनेक्शन बाबा से जुट सकता है, जुट जाता है, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता और संकल्प भी इधर उधर नहीं चलते। कई बार तो कई ऐसा भी बैठे योग में कितनी देर तो कहते हैं हमको सेट होने में ही लग जाते हैं, थोड़ी देर तो इधर उधर ख्याल रहते हैं, फिर बार 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 अपने को हाँ ध्यान देना पड़ता है कि नहीं मुझे बाबा की याद में बैठना है। या कई बार कई गीत बजते हैं उस गीत के शब्दों में सिर्फ खो जाते हैं, बस बड़ा प्यारा गीत है, बड़ा मीठा गीत है, बस बाबा की याद आ गई, बाबा की तरफ ख्याल चला गया, बस बाबा सामने दिखाई दे गया, उस गीत के शब्दों के आनंद में चले जाते हैं, उस म्यूजिक के आनंद में चले जाते हैं। परंतु क्या मेरा प्यारे बाबा निराकार बिंदु स्वरूप से मैं आत्मा इतनी कनेक्ट हुई अपने ही संकल्प के द्वारा? क्योंकि मेरे ही संकल्प से मेरा संबंध जुड़ रहा है बाबा के साथ। जैसे हमने आपको तार का मिसाल सुनाया, ऐसे मेरे अंदर इतनी सूक्ष्म अवस्था है। और ये अभ्यास आपको बीच बीच में सारा दिन करना है। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.